1 रुपए के इस फर्टिलाइजर से दोस्तों आप अपने मोगरा प्लांट के ऊपर इतने ज़्यादा फ्लावर भर सकते हैं, कलियों से पूरा भर सकते हैं। और एक बार नहीं, आप इस फर्टिलाइजर को हर 20 दिन में यूज करें तो आपका मोगरा प्लांट बहुत ज़्यादा फ्लावर देगा कुछ ऐसे। हमारी मोगरा प्लांट के ऊपर फ्लावर लाना इतना आसान नहीं होता है, बट ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होता है। वीडियो एंड तक देखना और पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। इस प्लांट को आप देख ले ध्यान से, हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी नहीं है और बहुत कम ना के बराबर इसकी पत्तियाँ हैं। मोगरा प्लांट के ऊपर फ्लावर लाने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आजमानी होगी। सबसे पहले आप अपने प्लांट को ऑब्जर्व करें और उसके बाद अगर डेड लीव्स है तो उनको डेफिनेटली रिमूव करें, डेड ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करें। और अगर आपका प्लांट हेल्दी नहीं नज़र आ रहा है तो उसको डेफिनेटली ट्रिमिंग की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप अपने मोगरा प्लांट के ऊपर हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हम हमारे प्लांट के ऊपर सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, जिसमें ब्रांचेस पतली पतली हम काट देंगे और बड़ी ब्रांचेस, मोटी ब्रांचेस हम रहने देंगे। सॉइल ही सबसे ज़्यादा मेन होती है दोस्तों। इसके अंदर खाद पानी अगर आप डालेंगे सही टाइम पे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और बहुत सही तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपके मोगरा प्लांट के ऊपर खाद पानी डालना है, जिससे आपका प्लांट बहुत लंबे समय तक फ्लावर देता रहे। सबसे पहले तो आपको 2 इंच के आसपास की सॉइल रिमूव करनी होगी। बोन मील फर्टिलाइज़र दोस्तों आपके प्लांट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। सॉइल के अंदर कैल्शियम की पूर्ति करता है और प्लांट के अंदर कैल्शियम रहेगा तो आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा रिजिड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और यहाँ पर आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, 179 रुपीज़ है। और दोस्तों कोई ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अमेज़ॉन खोलिए, फ्लिपकार्ट खोलिए और कोई भी ब्रांड का बोन मील ले सकते हैं। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है दोस्तों सरसों खली, इसका डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्तों लंबे समय तक प्लांट को फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसकी कॉस्टिंग भी देख ले, 100 रुपये में आपको 1 kg मिल जाएगा, मतलब आप बहुत सारे प्लांट्स में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली दोस्तों आपने दोनों फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं, इसके बाद आपको फिर से एक फ्रेश न्यू सॉइल से इसको कवर करना है। कवर इसलिए किया जाता है ताकि आपका ये फर्टिलाइज़र अच्छे से डिकम्पोज होता रहे और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करे। फाइनली मोगरा प्लांट को आप पानी पिला दीजिए और दोस्तों डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हम पानी देने लग जाते हैं। और यहाँ पर पानी आपको भरकर डालना है फर्स्ट टाइम, और प्लांट को कुछ दिनों के लिए छाया में रख दीजिए। छाया में जाने के बाद प्लांट के अंदर एक रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आने लग जाएगा। आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइज़र प्लांट अभी से ही फ्लावरिंग पर आ गया है। अभी तो मेन फर्टिलाइज़र हमने दिया ही नहीं है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे करेगा, बट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हर ब्रांच के ऊपर न्यू लीफ है, न्यू लीफ के ऊपर न्यू कलियाँ आ रही है और आप ये अपनी आँखों से देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर साइंटिफिकली दिया जाए तो हमने प्लांट को प्रून करा है, उसमें फर्टिलाइज़र डाला है, तो प्लांट की प्रूनिंग के साथ प्लांट के अंदर एक ग्रोइंग हार्मोन रिलीज होता है जो सारी ब्रांचेस के ऊपर जाता है। और सारी ब्रांचेस के ऊपर जाने के बाद आपका प्लांट कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाता है। आपका ग्रोइंग हार्मोन सिर्फ एक ब्रांच पर ही जा सकता था, बट हमने उसको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र दिया तो उसने पूरे प्लांट के ऊपर डेवलपमेंट किया है और यहाँ पर उसका रिजल्ट है। बहुत सारी कलियाँ हमें मिल रही है और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मोगरा प्लांट का फ्लावर खिलेगा ना, यहाँ पर खुशबू भी बहुत प्यारी आने वाली है। जब भी नर्सरी से आप मोगरा प्लांट लेके आते हैं, उनके फ्लावर की साइज़ आपने नोट करी होगी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और मल्टीपल फ्लावर भी आ रहे होते हैं, और घर पर ये सब चीज़ें कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोगरा प्लांट एक ही ब्रांच के ऊपर 3 फ्लावर दे रहा है, और यहाँ पर आप फ्लावर के साइज़ भी देखना। और ये है हमारी फर्स्ट मोगरा ब्लूमिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ्लावर खिले हुए हैं, कुछ कलियाँ हैं, बट यहाँ पर दोस्तों जो प्लेजेंट स्मेल मिल रही है ना, उसकी बात ही कुछ अलग हो रही है। इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा खुशबू फैल रही है और यहाँ पर ही रुकने की हमारी इच्छा हो रही है। अब यहाँ पर आप फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं ना, कितना ज़्यादा ह्यूज आ रहा है। और यहाँ पर कुछ फ्लावर तो नीचे गिर गए, वो स्टार्टिंग में आपने देख लिए हैं, बट यहाँ पर आप देखें प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है, कितने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आ रही है। अब दोस्तों हम देखते हैं सेकेंड मोगरा ब्लूमिंग वो कैसे करवाते हैं हम। नियरली सारे फ्लावर खिल जाएंगे और उसके बाद आपको वेट करना है 10 से 15 डेज में, आपको फिर से आपके मोगरा प्लांट के अंदर न्यू ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी और उसके बाद आपको न्यू कलियां, न्यू ब्रांचेस मिलने वाली है। अब नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ करके आप अपने मोगरा प्लांट को फिर से मजबूर कर सकते हैं फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, और वो है दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट। और दोस्तों आप किसी भी कंपनी का ये यूज़ कर सकते हैं।
और इसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 218 रुपये 250 ml, मतलब 1 रुपया भी आपका कॉस्टिंग नहीं हो रहा है एक प्लांट के लिए। अब यहाँ पर सीवीड को लेने का तरीका आप देख लें, 1 या 2 ml ही लेना है हर प्लांट के लिए, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 1 चम्मच 1 लीटर वाटर एक पॉट के लिए इनफ होता है। सीवीड फर्टिलाइज़र मोगरा प्लांट के लिए बहुत सही होता है, क्योंकि ये प्लांट की माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर देता है। इसको देने का तरीका आप देखें, 1 लीटर वाटर लीजिए और उसमें आप 1 चम्मच मिक्स कर दीजिए, जिससे वो पूरे पॉट में इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। अगर आप 1 चम्मच डायरेक्टली पॉट में डाल देंगे तो सीवीड बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है, तो वो एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा और पर्टिकुलर जड़ों के सेक्शन को डिस्टर्ब कर देगा या फिर डैमेज कर सकता है। सही तरीका ये होता है, आप एक ग्लास बाउल लीजिए या फिर स्टील का बाउल लीजिए, उसमें 1 चम्मच डालिए, पानी में मिक्स करिए और अपने प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए। पॉट के ऊपर अगर कोई फ्लावर वगैरह गिरा हुआ है या फिर डैमेज लीव गिरी हुई है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए। खर पतवार हो उसको भी आप तुरंत निकाल दीजिए, वो फंगस का कारण बन सकती है। और बस अपना फर्टिलाइज़र लीजिए और मोगरा प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए और बस आपको वेट करना है, आपके प्लांट और ज़्यादा फ्लावर देने वाला है और ज़्यादा ब्लूमिंग करने वाला है। और ये रहा रिज़ल्ट 10 दिन के बाद। और दोस्तों, हमने 2 महीने में मोगरा प्लांट से 2 बार फ्लावरिंग ले ली है, तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं गर्मियों के सीज़न में, तो डेफिनेटली आप ये सेम प्रोसेस ट्राई करना और आपको 2 महीने में 2 बार फ्लावरिंग डेफिनेटली आपका मोगरा प्लांट देगा। शर्त ये है, आपका मोगरा प्लांट मैच्योर होना चाहिए, न्यूली परचेस नहीं होना चाहिए। प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ 4 कलियाँ निकालने के साथ साथ अब ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है अब ये 3री बार फ्लावरिंग देने वाला है, मतलब एक ही सीज़न में 3 बार फ्लावरिंग, ओ माय गॉड। दोस्तों, आपको ये फर्टिलाइज़र डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और सेम प्रोसेस में ही आपको देना है। तो सारे ही फर्टिलाइज़र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट करना, और अगर बजट में है तो डेफिनेटली आज ही मंगा देना, आज ही ऑर्डर कर देना। और ये प्लांट की ओवरऑल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है ये नोटिस करा है, अब हमारे सारे फ्लावर की कलियाँ खिल चुकी है और ये रहा इसका मैक्सिमम ब्लूमिंग, कितने ज़्यादा वाइट कलर के फ्लावर नज़र आ रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर खुशबू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। सो दोस्तों, ये रहा एक ब्यूटीफुल सा वीडियो मोगरा प्लांट के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप डेफिनेटली हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ये जो खूबसूरत फ्लावर आप देख रहे हैं, इनके लिए भी दोस्तों हमने एक अलग से खाद बनाई है, सेल्फ मेड है, घर पर बना सकते हैं आप भी इजीली, और प्लांट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है अपने फ्लावर प्रोडक्शन के अंदर, फ्लावर की क्वालिटी और उसका कलर और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हमारा ये प्लांट। सीखना है इसको कैसे बनाना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, या फिर यहाँ पर जो आपको वीडियो शो हो रही है उस पर क्लिक करिए और बनाना सीखिए हमारे कंपोस्ट को।